एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ये हम समझते हैं, और एजियोट्रॉप समझने से पहले हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है ये। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो हम क्या करते हैं, हम दो लिक्विड कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं, ए और बी। ए और बी को हमने मिक्स कर दिया। मान लो ए की मोल फ्रैक्शन लिक्विड में एक्स ए है और बी की मोल फ्रैक्शन लिक्विड में एक्स बी है। ए और बी में से कोई ना कोई तो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, कोई ना कोई कम वॉलेटाइल होगा। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। हम मान लेते हैं कि ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो ए के भी वेपर बनेंगे और बी के भी वेपर, दोनों के वेपर बनेंगे ए और बी के। अब वेपर में भी मोल फ्रैक्शन होगी ए और बी की। मान लीजिए ए की मोल फ्रैक्शन है वाई ए, बी की मोल फ्रैक्शन है वाई बी। वेपर्स में एक्स ए और वाई ए अलग है, बात समझ में आ रही है। एक्स ए क्या है, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है ए की। वाई ए क्या है, वेपर में मोल फ्रैक्शन है ए की। तो अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है बी से तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे, मतलब वाई ए इज मोर देन एक्स ए। बात समझ में आ गई। अब आप क्या करो, इस वेपर्स को बाहर निकाल लो। यहां वेपर्स को बाहर निकाल के इसको यहां पे कूलर लगा दो, यहां कूल कर दो इसको। कूल करके इसके लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। अब लिक्विड फिर से मोल फ्रैक्शन एक्स ए डैश और एक्स बी डैश। अब एक्स ए डैश तो वाई ए के इक्वल ही होगा ना, और एक्स बी डैश वाई बी के इक्वल होगा। जो वेपर थे वही तो लिक्विड बने। अब ये फिर से लिक्विड फिर से वेपर बन जाएगा, तो वाई ए डैश और वाई बी डैश। अब वाई ए डैश है जो एक्स ए डैश से ज्यादा होगा, मतलब क्या, अब फिर से प्रोसेस रिपीट करते जाओ। मतलब वेपर फेज में ए की संख्या बढ़ती जाएगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सब ऐसे आप करते जाओ, रिपीटेडली करते जाओ। एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको प्योर ए मिल जाएगा, मतलब जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसके प्योर वेपर मिल जाएंगे। ये प्रोसेस समझ में आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमने ए और बी को सेपरेट किया, ये पता किसके लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पॉसिबल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एजियोट्रॉप बनाते हैं। क्या होते हैं एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप्स एक ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है जिसमें लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और वेपर फेज कॉम्पोजिशन इक्वल हो। मैं आपको यहां बताता हूं ग्राफ। ये ग्राफ है देखो इसका, ये ग्राफ में ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ है। तो ये है लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, ये है वेपर फेज कॉम्पोजिशन। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट में लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और वेपर फेज कॉम्पोजिशन इक्वल है। तो अगर आप इस पॉइंट पे, मतलब ये वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है एट ए कॉम्पोजिशन ऑफ 95.6% इथेनॉल। मतलब अगर टोटल 100 ग्राम बाय परसेंटेज बाय मास है ये, मतलब अगर टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 95.6 ग्राम इथेनॉल है एंड रेस्ट वाटर है। उस कॉम्पोजिशन पे जब आप बॉयल करोगे उस सॉल्यूशन को तो उसमें जो लिक्विड कॉम्पोजिशन होगा वेपर फेज भी सेम ही होगा। तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिक्विड में कॉम्पोजिशन आ रहा है वही वेपर में आ रहा है, वो रिपीट होता रहेगा। लिक्विड वेपर सेम रहेगा, अलग होने वाला नहीं है। इस तरह के जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और पेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम हो, उनको एजियोट्रॉप बोलते हैं। उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, जैसे ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78.5, एजियोट्रॉप मिक्सचर का कितना है 78.2। मतलब इससे और इससे दोनों से कम है, ये मिनिमम बॉइलिंग है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आपको याद होगा वाटर और इथेनॉल को जब आप मिक्स करते हो तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है,
अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो आपको कम हीट करना पड़ेगा सो दैट वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। और बॉइलिंग तभी होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, इससे उल्टा जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो गया। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, अब उस कम हुए हुए वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले जाने के लिए आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। क्लियर है बातें? ये पॉइंट, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। ये देखो, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है, इसके एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन। मैं सम अप करता हूं बातों को। एजियोट्रॉप इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमको, है ना? क्या है इसकी डेफिनेशन? सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर, उसको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। फिर ये दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग कौन से होते हैं? जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो कौन से होंगे? वो पॉजिटिव डेविएशन वाले, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर इथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्योर इथेनॉल है ना, C2H5OH, को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तो प्योर इथेनॉल मतलब ये इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होगा इसमें। व्हाट जनरल नेम इज गिवन टू बाइनरी मिक्सचर विच शो डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ? तो इसका नाम क्या है, और एंड हुज कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इस तरह के बाइनरी मिक्सचर को, मतलब दो कॉम्पोनेंट्स वाले मिक्सचर को जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये इसी की बात कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर देयर? तो कितने तरह के मिक्सचर है जो हमने लिख लिया, वही इसका आंसर है बेसिकली। देखो, तो एग्जाम मैंने पूरा डाटा ही लिख रखा है। ए मिक्सचर ऑफ 95.6% बाय मास ऑफ इथेनॉल इन वाटर। कॉम्पोजिशन फिक्स होनी चाहिए, ऐसा हर कॉम्पोजिशन पे नहीं होगा, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे 95.6% बाय मास इथेनॉल अगर वाटर में है, उसको जब आप हीट करोगे तो सेम कॉम्पोजिशन आएगा वेपर फेज में जैसा कि लिक्विड फेज में है, ठीक है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल टू दस इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट इथेनॉल फर्दर बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो इसलिए आप इतना इतना कॉन्सेंट्रेट तो कर सकते हो, 95.6% बाय मास तक तो लेके आ सकते हो, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते इथेनॉल को, क्योंकि उसके बाद सेम हो जाएगी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर की। तो ये बात है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दैट इज सॉल्यूशंस व्हिच डेविएट फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आप किसको नहीं कर सकते? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। इनको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ये दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग का है कौन होते हैं? इन एजियोट्रॉप्स के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स से, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ये इथेनॉल और वाटर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं? जिनका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स से ज्यादा होता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ट लॉ से, एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। देखो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी वर बीइंग सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी जा रही थी दो कॉम्पोनेंट्स की, ए और बी की। आफ्टर सम टाइम सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स स्टॉप्ड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज बिकेम सेम एज दैट ऑफ लिक्विड फेज। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, वेपर फेज और लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन सेम हो गई। बोथ द कॉम्पोनेंट स्टार्टेड कमिंग इन द डिस्टिलेट,
दोनों कंपोनेंट ही आने लग गए सेम, तो फिर बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स इज हीटेड द वेपर्स बिकम रिचर इन मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। यही होता है ना, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ये है कि जब आप दो दो कॉम्पोनेंट्स को हीट करते हो, उनमें से जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो वेपर में ज्यादा आता है, यही उसका प्रिंसिपल होता है। पर जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, किसी भी कॉम्पोजिशन पे नहीं, एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, डिस्टिल ओवर सच दैट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम। एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और वेपर फेज कॉम्पोजिशन सेम हो जाते हैं, किसकी, नॉन आइडियल सोल्यूशंस की। दिस हैपेंस बिकॉज फ्रैक्शन विद दैट पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन इज मोस्ट वॉलेटाइल। ये बात समझने वाली है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ना, ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात लिखी है मैंने यहां पे। देखो, जब आपने मिक्स कर दिया ना दो चीजों को, तो इंडिविजुअल मिक्सचर क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ठीक है ना। उस लूज कर दिया ना जब उसने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अब ऐसा नहीं रहा कि ये ज्यादा वॉलेटाइल है या ये ए ज्यादा वॉलेटाइल है या बी ज्यादा वॉलेटाइल है, उन दोनों के मिक्सचर में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा, एट ए पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, वो कॉम्पोजिशन डिस्टिल हो जाएगी। जैसे इस पे अगर 95.6% इथेनॉल हो गया ना, तो 95.6% इथेनॉल रेस्ट वाटर, दिस कॉम्पोजिशन इज मोस्ट वॉलेटाइल अमंगस्ट ऑल द अदर कॉम्पोजिशन, तो यही डिस्टिल कर जाएगा। ये समझ में आई बात है? हाँ, इससे इन दोनों से ज्यादा वॉलेटाइल ये कॉम्पोजिशन है, तो ये करती जाएगी डिस्टिल, क्योंकि अब नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ए ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन से डिफरेंट है, तो ए बी इंटरेक्शन कर करा के जो ज्यादा वॉलेटाइल बनेगा वो डिस्टिल करेगा। समझ में आई बात? दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर। दिस इज, इसको फिर आप सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन से, ठीक है। ये आप लोग बताइए मुझे इसका आंसर। इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, अगर वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाते हैं, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है ना, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, तो क्या, कौन सा है ये, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव डेविएशन है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन वीक होंगे है ना, ए बी इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्गर, ये गलत है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम सोल्यूशन। सही है ये बात, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ही ये होता है ना कि ज्यादा वेपर बनते हैं ए और बी के, ये बात तो सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है ना, ये तो गलत हो गया। ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन, ए भी सही है, ए बी इंटरेक्शन तो वीक है, पॉजिटिव डेविएशन है ना ये, एसीटो नाइट्राइल एंड एसीटोन। ओके, तो देखो क्या है, ये सारे इसका आंसर लिखा, सॉल्यूशंस विच शो, ये काटना, ये कुछ नहीं है, चार ही ऑप्शन थे इसके। सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ ऑफ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें। ए बी इंटरेक्शन वीक होती है ए ए और बी बी से, तो वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल, वो वेपर ज्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, सारी पुरानी बातें हैं, तो ठीक है ना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहले तो मुझे बताओ एसीटोन और मीथेन, अच्छा, ऑन एडिंग एसीटोन टू मीथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, मतलब मीथेनॉल ही होता है, CH3OH इज मीथेनॉल, मीथेनॉल में एच बॉन्डिंग होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एच बॉन्डिंग होती है, जब आप इसमें एसीटोन डालोगे, ये आपने इसमें एसीटोन डाल दिया, तो एसीटोन क्या करेगा, यहां आके इसके एच बॉन्डिंग को तोड़ेगा। ओके, तोड़ेगा तो क्या होगा, ए बी इंटरेक्शंस हो गए वीक,
देन ए ए एंड बी बी, यही हो गया ना, आगे एथ बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो ये कौन सा डेविएशन शो करना चाहिए बताओ? ये पॉजिटिव करेगा ना, क्योंकि इसको ये ए ए, ये ए ए इंट्रैक्शन हो गया, ए ए इंट्रैक्शन को तोड़ रहा आगे, तो ए ए इंट्रैक्शन, तो ए बी इंट्रैक्शन वीक हो गया है ना, ए ए स्ट्रांग था, उस स्ट्रांग को आके तोड़ दिया, तो ए बी इंट्रैक्शन वीक हो गया, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वेपर ज्यादा बनेंगे ए और बी के, ठीक है ना? ओके, ये तो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है, और हमने ये याद भी किया हुआ है कि एसीटोन और मिथेनॉल कौन सा शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो हमको ये पता चल गया कि एसीटोन और मिथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है ना? चलो अब हम पढ़ते हैं इनमें से क्या है। एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। सही बात है, ये बात सही है, ये गलत है? सही है ना, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, तो दिस इज करेक्ट। फिर अगला अगला पॉइंट है, एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप विल शो पॉजिटिव डेविएशन। ये बात सही है, मैक्सिमम थोड़ी ना है, मिनिमम बनाएगा वो, ये बात तो गलत हो गई। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मीथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एसीटॉप एंड शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव थोड़ी करेगा, मिनिमम बॉइलिंग तो ठीक है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करेगा, तो ये बात भी गलत हो गई। एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मीथेनॉल एसीटोन विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एसीटॉप, मैक्सिमम है क्या ये? मैक्सिमम थोड़ी मिनिमम है, पॉजिटिव डिवेशन शो कर रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एसीटॉप है, ये गलत हो गया। तो सिर्फ फर्स्ट ही सही है, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टोलुइन मॉलिक्यूल्स। बेंजीन होता है C6H6, दिस इज बेंजीन, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। टॉलुइन होता है C7H8, दिस इज टॉलुइन। तो मतलब इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ये बोल रहा है ए ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन सेम है, ये इसने ये बोला है, ठीक है? ओके, फॉर अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? मतलब ये आइडियल सोल्यूशन हो गया ना, ए ए और बी बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन सेम हो गए, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है आइडियल के लिए, ये तो सही है। डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है आइडियल के लिए, ये भी सही है। दीज विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये सही है? नहीं, आइडियल सोल्यूशन तो एजियोट्रॉप बनाते ही नहीं है। दीज विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, गलत ही है, आइडियल बनाएंगे, नॉट फॉर्म गलत हो गया, तो 3 और 4 ठीक है। अब देखो इन इन सब क्वेश्चंस में क्या है ना, आपको नॉट ट्रू करना था, तो यही कंफ्यूजन हो जाता है, ट्रू करना है नॉट ट्रू करना है ना, तो ये भी देखना होता है। तो ऑप्शंस 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर्स। ओके, फिर क्या बोल रहा है, विच द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स विल हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो लिक्विड और वेपर फेज में किन की कॉम्पोजिशन सेम होगी जो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे? बेंजीन टॉलुइन, ये तो आइडियल बनाते हैं ना बेंजीन और टॉलुइन, तो ये तो आंसर नहीं है। वाटर नाइट्रिक एसिड कौन सा डेविएशन शो करता है? ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो ये कौन सा एसिड ड्रॉप बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप, तो ये आंसर है यहाँ पे। वाटर इथेनॉल कौन सा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो कौन सा एजियोट्रॉप बनाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे, दिस इज करेक्ट आंसर। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये आइडियल है, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब मिक्स करते हो ना तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। हेक्सेन और हेप्टेन तो सिमिलर टाइप ही हो गया ना, तो ये आइडियल बनाएंगे, इसका आंसर है 2 और 3। हेक्सेन और हेप्टेन देखो ना, हेक्सेन होता है 6 कार्बन, C6, मैं सेम तो नहीं बोल रहा, सिमिलर बोल रहा हूँ, सेम और सिमिलर में फर्क है ना, ये हेक्सेन है, हेप्टेन क्या है? C7H16, सिमिलर है ना, एक जैसा सा है, आइडेंटिकल तो नहीं बोला मैंने, सेम तो नहीं बोला, ठीक है ना? ऐसे तो बेंजीन और टॉलुइन भी डिफरेंट है, लेकिन बेंजीन है C6H6, टॉलुइन है C7H8, मतलब क्या है कि इनका मास सेम हो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम टाइप का हो, ये दोनों ही नॉन पोलर है, सेम टाइप का इंट्रैक्शन है ये, ठीक है ना, मास भी सेम है।